लॉकडाउन मोबाइल सैलून। रामांतपुर नाम के गांव में नंदू नाम का नाई रहता था। उसे पैसों का बहुत लालच था। एक दिन दुकान पर वो किसी व्यक्ति का हजामत कर रहा था कि टीवी पर न्यूज रिपोर्टर, वायरस के कारण सरकार ने हमारे देश भर में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार ने ये हुक्म जारी किया है कि 3 हफ्तों के लिए सभी कार्यालय, स्कूल और दुकानें बंद रहेंगी। ये सुनकर नंदू, ये क्या, अरे मुझे भी कल से दुकान बंद रखना होगा? अरे तुम्हें ही नहीं, सबको दुकानें बंद रखनी होंगी। केवल अति आवश्यक वस्तुओं के लिए, जैसे दूध, सब्जी वगैरह, उसकी अनुमति दी जाएगी। अगर इसकी परवाह ना करते हुए दुकान खोला तो पुलिस आकर फिल्म दिखाएगी। ध्यान रहे। अगले दिन नंदू, हे भगवान, मैंने दुकान बंद किया तो पैसे कैसे कमाऊंगा? वैसे भी जिसे बीमार होना होगा वो तो हो ही जाएगा, अब इसके लिए धंधा बंद करें, ये सही नहीं है। सुनो जी, सरकार ने हमारे भलाई के लिए 3 हफ्तों के लॉकडाउन की घोषणा की है। वैसे भी 3 हफ्ते पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? अरे बचाए हुए पैसे है ना, तो इतने कंजूस क्यों हो तुम? तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। सरकार को ये हक किसने दिया कि वो मुझसे कहें कि मैं अपना दुकान बंद करूं? अब मैं अपनी समझदारी से पैसे कमाऊंगा। बाद में अपने बाइक पर एक कुर्सी को लगाकर उसे एक मोबाइल बाइक सैलून में बदल दिया। फिर एक व्यक्ति को फोन करके, हेलो, क्यों रामाराव जी, आपको हजामत या कटिंग कुछ करवाना है? चाहे तो बताइए, मैं ही आपके पास आ जाता हूँ। अरे आओ भाई आओ, एक हफ्ते से दाढ़ी बढ़ गया है और बहुत खीज हो रही है। ठीक है, आप अपने घर के बाहर तैयार हैं, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। बाद में जब वो जा रहा था तो पुलिस ने चेकपोस्ट पर उसे रोका। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि लॉकडाउन में बाहर निकलना मना है? और ये क्या, तुम्हारे बाइक ऐसा क्यों है? सर, मैं एक सिंसियर सिटीजन हूँ। दूध और सब्जी वाला आज नहीं आया, इसीलिए मैं वो लेने जा रहा हूँ। सर, जहाँ तक बाइक का सवाल है, मैंने सोचा कि कोई बुजुर्ग या जरूरतमंद जो चल ना पाए, अगर दिखाई दे तो मैं उसको बाइक में बिठा कर मदद करूँगा। वेरी गुड वेरी गुड, जाओ जाओ। बाद में रामाराव के घर जाकर उसकी हजामत करके उससे पैसे लिए। फिर उससे, सर अगर आपके पहचान के कोई हैं जिन्हें कटिंग या शेविंग की जरूरत हो तो उनका नंबर मुझे दे दीजिए सर, मैं जाकर करूंगा। इस तरह रामाराव ने एक कागज भरकर फोन नंबर्स दिए। उस दिन से वो उन नंबरों को कॉल करने लगा। पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर उनके घर जाकर कटिंग या शेविंग करके उनसे पैसे लेने लगा। एक दिन उसने एक नंबर पर फोन लगाया। वो फोन पुलिस स्टेशन पर बैठे एसआई का नंबर था। हेलो सर जी, मैं नंदू नाई बोल रहा हूँ। रामाराव साहब ने आपका नंबर दिया था सर, आपको कटिंग या शेविंग की जरूरत हो तो कहिए, मैं वहाँ आकर करूँगा सर। अच्छा, रामाराव ने दिया, पर लॉकडाउन के टाइम पर कटिंग करना तो जुर्म है ना? वैसे एक दूसरे से मिलना भी गलत है ना? क्या पुलिस तुम्हें नहीं रोकती? सर जी, रामाराव जी का भी कटिंग मैंने ही किया। उनके दिए गए नंबरों में कम से कम 20 लोगों की अभी तक हजामत कर चुका हूँ। अब पता नहीं और कितने दिन ये लॉकडाउन चलता रहेगा सर, क्या तब तक बाल बढ़ाते ही जाएंगे? वैसे एक आदमी से दूसरा आदमी मिले तो बीमारी कैसे फैलेगी सर जी? ये सब सरकार का रचाया हुआ नाटक है। जहाँ तक पुलिस की बात है, वो तो बेचारी कुछ नहीं जानती। अरे जो भी कहो वो विश्वास कर लेते हैं, उनकी अकल है ही नहीं सर। कहिए कहाँ आना है मुझे? अगर आप किसी को जानते हो तो उनको भी सिफारिश कीजिए सर प्लीज। मैं जरूर सिफारिश करूंगा। यहाँ 2 हेयर कट और 4 दाढ़ी बनाने हैं। तुम तुरंत राम मंदिर के 2 नंबर वाले गली में आ जाओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में जब वो राम मंदिर के 2 नंबर वाली गली में पहुंचा तो वहां पुलिस वाले थे। सर, दूध लेने जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे मैंने कहा था ना कि यहाँ 2 हेयर कट और 4 दाढ़ी बनाने हैं, जानते हो कौन है? अरे वो हम ही हैं, कहकर नंदू को खूब मारा और उसे जेल में डाल दिया। ब्यूटी पार्लर,
एक गांव में बाबू नाम का एक व्यक्ति ब्यूटी पार्लर चलाता था। वो माहिर होने के कारण उस गांव की महिलाएं उसी के ब्यूटी पार्लर आती थीं। एक दिन बाबू का एक्सीडेंट हुआ और वो अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसकी पत्नी से, देखिए इन्हें कोई खतरा नहीं है, पर इसके दिमाग में जरा चोट आई है, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म भूलने की बीमारी है। मतलब अचानक भूलना और अचानक याद आ जाना जैसे बीमारी हो सकता है। उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो कब ऐसा बर्ताव करेंगे। इलाज के लिए वक्त लगेगा, तब तक आप इनका ख्याल रखना। कुछ दिनों बाद बाबू अपने पत्नी की बात ना मानकर वो फिर ब्यूटी पार्लर खोला। एक औरत आई, बाबू सब ठीक है ना? आपसे फेस पैक करा के बहुत दिन हो गए, देखो चेहरा कैसे सूख सा गया है, तुम अपना स्पेशल फेस पैक लगाना। बैठिए मैडम, फिर से आपके चेहरे पर चमक ले आता हूँ। बाबू ने उसे फेस पैक लगाया। ये क्या, ये तो डोसा का आटा लगता है। ये मेरी पत्नी का मिलाया हुआ मुल्तानी मिट्टी है मैडम, कहकर उसके आँखों पर खीरे के टुकड़े रखे। इतने में बाबू का फोन बजा। वो फोन पर बात करते हुए बाहर आया। फोन काट कर, ये क्या, मैं यहाँ क्यों हूँ? डॉक्टर ने मुझे घर पर आराम करने के लिए कहा था ना? यूँ सोचकर वो घर चला गया। घर जाकर टीवी देखने लगा, तभी उसकी पत्नी भानु आकर, ये क्या, पार्लर बंद कर दिया? अच्छा हुआ कुछ दिन आराम करने को कहा था पर अब माने नहीं। सवेरे आपको डोसा बनाकर दूंगी यूँ सोचा था, पर आटा दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। बाबू को तुरंत याद आया, क्या डोसा का आटा? अरे मैंने उसे मुल्तानी मिट्टी समझकर ले गया था। बाप रे, पता नहीं उनके चेहरे को क्या हुआ होगा, कहकर वो दौड़ा। पार्लर जाते ही, क्यों भाई बाबू, आंखों पर खीरा लगाकर चले गए, 2 घंटे हो गए, पैक कब निकालोगे? बाबू ने जल्दी से पैक निकाल दिया, वो डोसा में बदल चुका था। उसे देखकर वो स्त्री, क्यों रे, फेस पैक लगाने को कहा था तो चेहरे पर डोसा बनाते हो, कहकर उसे थप्पड़ मारा। एक और दिन एक स्त्री आकर, बाबू आईब्रोज बनाना। तभी उसका फोन आया। फोन पर, हाँ कहिए। अरे डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया है। हाँ, दांत निकलवा दूंगी। ये सुनकर बाबू, अच्छा तो मैं डेंटिस्ट हूँ, इसका एक दांत निकालना होगा, यूँ सोचकर एक प्लायर्स लेके आया। मैडम आंखें बंद करके मुंह खोलकर आप आराम से बैठिए। उसने मुंह खोला, बाबू ने झट से उसका दांत निकाल दिया। उसके दांत को उसी के हाथ में देकर, थैंक यू मैडम फॉर योर कोऑपरेशन, बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया आपने। हाय रे, दर्द हो रहा है, कहते हुए गालों पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गई। एक दिन बाबू ब्राइडल मेकअप करने के लिए एक शादी के घर पर गया। एक कमरे में दुल्हन को बिठाया, उसे कोई क्रीम लगाया। इतने में एक आदमी आकर, क्यों भाई, क्या तुम ही पेंटर हो? इस घर को पेंट करूंगा कहकर 3 दिन पहले हमसे पेंट के डिब्बे मंगवाए, अरे अब जल्दी पेंट करो भाई, कहकर चला गया। अच्छा तो मैं यहाँ पेंट करने आया हूँ, यूँ सोचकर वो डिब्बे उठाकर जाने लगा। इतने में दुल्हन ने, अरे कितनी देर बिठाओगे भाई, वो मेकअप रंग जल्दी लगाओ भाई। अच्छा तो ये मेकअप के रंग हैं, यूँ सोचकर उस पेंट के डिब्बों में पड़े तीनों रंगों को इसके चेहरे पर लगाया। दुल्हन ऐसे ही बाहर गई। उसे देखकर दूल्हा, बाप रे इस लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा, कहकर वहाँ से भाग गया। एक लड़का आकर, अंकल ये पेंट आर्ट बहुत अच्छा है, मुझे भी जरा लगाओ ना। बाबू ने उसे भी पेंट लगाया। तभी दुल्हन का बाप आकर, क्यों रे तेरे इस बकवास मेकअप के कारण एक बढ़िया रिश्ता टूट गया है, कहकर उसे बहुत मारा। एक और दिन ब्यूटी पार्लर पर बाबू को एक गलत फोन कॉल आया। हेलो डॉक्टर साहब। जी हाँ कहिए। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी के मिर्गी के दौरे पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? मिर्गी के दौरे पड़े हैं तो नीचे गिराकर हाथ पांव मारने के लिए कहो, वो दंग रह गया। तभी एक औरत ने आकर, बाबू मेरा फेशियल मैनिक्योर और पेडिक्योर करना है। फेशियल? आपने हाल ही में कोई सिर का एक्सरे निकलवाया था क्या? अभी डॉक्टर ने कहा था तो निकलवाया, क्यों? बिना एक्सरे देखे हमें इलाज नहीं करना चाहिए, जरा देना। बाबू उस एक्सरे को लेकर देखते हुए, आपके चेहरे में तो
सिर्फ हड्डियां हैं, चर्म तो है ही नहीं। फेशियल कहां से करें? पहले आपका सर्जरी करके चर्म को चिपकाना होगा। बैठिए, ऐसा उसने कहा। लगता है ये पागल है, अरे यहां से भागना चाहिए, कहकर वो वहां से भाग गई। अगले दिन वे सारी औरतें बाबू के घर आईं। एक औरत भानु से, अपने पति से कहो कि कुछ दिनों के लिए वो पार्लर ना खोले, उसे पता ही नहीं कि वो कब क्या करता है। परसों अपने आप को कारपेंटर समझकर मेरे चेहरे पर फेविकॉल लगाया, फिर डेंटिस्ट समझकर इसका दांत उखाड़ा, इसका तो सर्जरी करने वाला था। ये पार्लर की क्या रट लगा रखी है आपने? मैं तो साहूकार हूँ, ब्याज पर पैसे देता हूँ। ब्याज के पैसे लाए हो? ये सुनकर सब बेहोश हो गए।